नेताओं की दावों। नमस्कार, मैं हूं जया सन्हा। इन विशेष समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। रेमल तूफान के कारण अलर्ट पर पश्चिम बंगाल, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, कई जगहों पर पेड़ गिरे। एनडीआरएफ की टीम काम में जुटी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 घंटों में तूफान के कमजोर होने की संभावना। रेमल तूफान को लेकर नेवी और कोस्ट गार्ड की टीमें तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रबंधन समेत बाकी पहलुओं का लिया जायजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कम से कम नुकसान के लिए अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। बंगाल के राज्यपाल ने भी की आपातकालीन समीक्षा बैठक। आखिरी चरण के चुनाव प्रचार में सभी सियासी दलों ने लगाया पूरा जोर। आज अमित शाह यूपी के कुशीनगर, सलेमपुर और चंदौली में, तो जेपी नड्डा भी वाराणसी में करेंगे अलग अलग वर्गों का सम्मेलन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी उड़ीसा के बालासोर में करेंगे चुनाव प्रचार। पटना साहिब, पाटलिपुत्र और आरा में भी होगी राहुल की रैली। प्रियंका संभालेंगी हिमाचल, अखिलेश यादव गाजीपुर और चंदौली में गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे वोट अपील। रफा में हमास के एक और ठिकाने पर इजरायल का हवाई हमला, कम से कम 35 लोग मारे गए और कई लोग घायल। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने तीसरी बार जीता आईपीएल का खिताब। फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को दी 8 विकेट से मात। गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल ने अब पश्चिम बंगाल में अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। बंगाल के तटीय इलाकों में लैंडफॉल की प्रक्रिया भी जारी है, जिसके चलते कोलकाता समेत राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबरें हैं। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात रेमल बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के किनारों को पार कर रहा है। अगले 3 घंटों के दौरान इसके कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। इसके बाद ये उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा। चक्रवात के चलते बंगाल के तटीय इलाकों से 1 लाख से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। चक्रवात से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की कुल 14 टीमें तैनात की गई हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। चक्रवात के प्रभाव से निपटने के लिए भारतीय नौसेना भी पूरी तरह से मुस्तैद है। नौसेना ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एचडीआर और चिकित्सा आपूर्ति से लैस 2 जहाजों को तैयार किया है। इसके अलावा सी किंग और चेतक हेलीकॉप्टरों के साथ साथ डोनियर विमानों को भी तैयार रखा गया है। इसके साथ ही तटरक्षक बल की टीमें भी तैनात की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात रेमल से निपटने की तैयारियां और राहत उपायों की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे और अन्य संबंधित पहलुओं का जायजा लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कम से कम नुकसान के लिए अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उन्होंने चक्रवात रेमल के मद्देनजर संबंधित अधिकारियों से बात की है। साथ ही उन्होंने बताया कि उन सभी क्षेत्रों में एनडीआरएफ की पर्याप्त तैनाती की गई है जहां चक्रवात का प्रभाव हो सकता है। लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है और आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियां ये सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं कि जान माल की सुरक्षा हो। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने चक्रवात रेमल पर एक आपातकालीन समीक्षा बैठक की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने कहा कि बंगाल आत्मविश्वास और साहस के साथ इस संकट का सामना करने के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है कि बंगाल इस तरह के संकट का सामना कर रहा है। हम निश्चित रूप से आत्मविश्वास से, प्रभावी ढंग से और सक्रिय रूप से इस तूफान का सामना करेंगे। इस संबंध में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। रेमल तूफान को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के लोगों को इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सभी को सावधान और सतर्क रहने को कहा। इस बीच कोलकाता पुलिस ने किसी भी तरह की सहायता लेने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आपातकालीन स्थिति के लिए 9432610428 पर कॉल कर सकते हैं या फिर 9432610423 पर भी संपर्क किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में हुए मतदान के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियों की नजरें अंतिम और सातवें चरण में टिक गई हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शुमार, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी दौरे पर रहेंगे। नड्डा आज काशी में सबसे पहले काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम मंदिर के दर्शन करेंगे। उसके बाद जेपी नड्डा मारवाड़ी समाज भवन में विदित बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद वो गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल ऑडिटोरियम में बुनकर कारीगर महासम्मेलन और सरोज पैलेस में प्रभावी मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। विपक्ष की भी 2024 में बीजेपी की जीत के रथ को रोकने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। कांग्रेस अपने 350 प्लस की सीट के लक्ष्य के साथ मतदाताओं को लुभाने के लिए मैदान में है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज उड़ीसा के बालासोर में चुनाव प्रचार करेंगे। उड़ीसा के बाद राहुल गांधी बिहार में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी पटना साहिब, पाटलिपुत्र और आरा में मतदाताओं से इंडिया गठबंधन के लिए वोट की अपील करेंगे। राहुल गांधी पटना साहिब से कांग्रेस उम्मीदवार अंशुल अभिजीत और पाटलिपुत्र में राजद प्रत्याशी मीसा भारती के समर्थन में रैली करेंगे। वहीं कांग्रेस की स्टार प्रचारकों में से एक पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी आज हिमाचल प्रदेश का रण संभालेंगी। प्रियंका कांगड़ा और चंबा में 2 सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करेंगी। बात यूपी की करें तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव गाजीपुर और चंदौली में रैली करेंगे। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में मतदाताओं से वोट अपील करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ के विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बतौर रक्षा मंत्री वे ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि भारत की एक इंच जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। उनकी पार्टी ने कभी देश की सेना और जवानों की बहादुरी और शौर्य पर सवाल नहीं उठाया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मौजूदा समय में भारत और चीन के बीच सकारात्मक माहौल में कमांडर स्तर पर चर्चा हो रही है। हालांकि अगर मैं खास तौर पर इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करूंगा तो इससे लोगों को गर्व होगा। हालांकि मैं अभी इसके विवरण के बारे में फिलहाल कोई खुलासा नहीं करना चाहता। इसराइल की ओर से गाजा के रफाह में की गई एयर स्ट्राइक में कम से कम 35 फिलिस्तीनी लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए हैं। इजरायली सेना की ओर से कहा गया है कि उसकी एयरफोर्स के ने रफाह में हमास के एक ठिकाने पर हमला किया। यह हमला सटीक गोला बारूद और खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया। बात करें आईपीएल की तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने तीसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में कोलकाता ने हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर आईपीएल की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया। इस जीत के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरी बार खिताब हासिल करने में कामयाब हुई। इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा किए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम ने बल्लेबाजों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। वेंकटेश अय्यर और रहमानुल्लाह गुरबाज की अर्धशतकीय साझेदारी देखने को मिली। वेंकटेश अय्यर ने 26 गेंदों में 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेली तो वहीं रहमानुल्लाह गुरबाज ने 39 रन बनाकर कोलकाता की जीत में अहम भूमिका निभाई।
इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम केकेआर के गेंदबाजों के सामने नहीं टिक पाई और 18.3 ओवर में 113 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। और इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।